पंजाब में मनाते हुए सीधे ट्रैक्टर पे मैं पहुंची हूं लंदन। स्वागत है आपका चाय चैट में, जहां अब इस चश्मे की जरूरत नहीं है क्योंकि यह है लंदन। लेकिन वैसाखी हम बिल्कुल उसी जोर शोर से मनाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक्टर सीधे आके रुका है साउथ हॉल के रौनका पंजाब दिया में, जहां के मक्के की दाल टाइम मैगजीन में है टॉप 3 ईलिंग रेस्टोरेंट में इनका नाम गिना जाता है। करी अवार्ड्स में भी और करी मैगजीन में भी ये शामिल है, और खास तौर पे पंजाब की रौनक यहाँ लगी रहती है। तो आज लगाते हैं वैसाखी की रौनक रौनका पंजाब दिया में। चलिए मेरे साथ चकते फटे खड़ा 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 खड़ा। हम आपको तो हमने बता दिया लंदन तो आपको लग ही नहीं रहा होगा ये, क्योंकि हम चौपाल में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और यहाँ पे कुआं भी है, और यहाँ पे ट्रैक्टर भी है, यहाँ पे मोटर बाइक भी है, और यहाँ पे मिस्टर राज भी है जो यहाँ के मैनेजर है, जो बताएंगे कि ये सब कैसे क्रिएट किया, क्यों किया थीम रेस्टोरेंट। राजा थैंक यू, दिस वॉज क्रिएटेड 5 years ago. And I came up with the idea. I picked up states in India and thought of making restaurants for the state. So Punjab is very close to my heart. And as you know, Punjabi people are very vibrant, full of life, full of character, larger than life characters. So we came up with this idea that we will make a Punjabi restaurant, but something to do with pin. So closeness of a pin. We also call this home away from home. बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप मल्ली जी, क्योंकि आप सिंह सभा गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं, मुझे बताइए कि वैसाखी, अच्छा मल्ली बताइए कि वैसाखी है या वैसाखी है? हमारे देश का पुराना त्यौहार है जो सदियों से मनाया जाता है जी। तो क्योंकि विसाख का शुरुआत होता है, लोग कनक काटने की तैयारी में होते हैं, एक मौसम चेंज हो रहा होता है, तो सभी जो जिमीदार किसान लोग हैं उनको एक खुशी का माहौल होता है उस टाइम, क्योंकि अनाज घर पे आता है। तो सभी कम्युनिटी को ये जो फेस्टिवल है वैसाखी सभी मनाते हैं। लेकिन इसमें जो खास वैसाखी का दिन 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चूज़ किया, तो वो इसलिए चूज़ किया था क्योंकि लोग वैसाखी मेले की पे अट्रैक्ट होते थे, जाते थे वहाँ पर, तो उन्होंने स्पेशली लोगों को सद्दा देकर उस दिन स्पेशली बुलाया कि आज एक जो स्पेशल ऐलान करने वाले हैं। तो वो एक रेगुलेशन जो दुनिया में 1699 वाली वैसाखी को उन्होंने जात पात सभी को मिटा के, ऊंच नीच सारा कुछ भेदभाव मिटा के, उन्होंने पांच हर बार एक एक सिख के सिर की मांग की। तो उस दिन से खालसा पंथ का जन्मदिन भी है और वैसाखी एक सारा सड़ी हमारी कम्युनिटी का एक साझा त्यौहार भी है जी। तो पहले आप बताइए जवानाजी, हां जी, वीरेंद्र जी पहले इनसे पूछते हैं कि वैसाखी की क्या यादें आपको देश से जुड़ी हैं? लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया, मैं बचपन से ही वैसाखी जिया हूं। और क्या है कि जब जैसे मल्ली साहब ने फरमाया कि जब गेहूं पक जाता है तो उस वक्त लोग उसको काटते हैं, तो काटने के बाद जो जाहिर है कि घर में धन दान आए तो खुशियां मनाई जाती हैं। तो एक बात यह है कि वैसाखी के बारे में, वैसाखी कहते हैं हम पंजाबी में, वैसाखी जो हिंदी में ठीक है, अच्छा, उर्दू में भी ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं पंजाबी मतलब जो सीख है वो वैसाखी बोलेंगे। हाँ जी, वैसाखी वो ऐसे बात है, फॉर मी इंटरप्ट, जो दुआबे का जो इलाका है ना पंजाब में, वहाँ वाह कम बोलते हैं, वाह बोलते हैं, तो वहाँ वैसाखी इसको कहा जाता है। जैसे मुझे याद है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम मालवा, आई लिव इन लुधियाना, तो लुधियाना में जब जाते हैं तो वहाँ वैसाखी बोलते हैं। ये एक फ़र्क है, क्योंकि बेसिकली जो वैसाखी है ये सिखों से ज़्यादा ताल्लुक रखती है। सॉरी आई इंटरप्टेड, तो चमन जी पहले बात करेंगे फिर मैं बात करूँगा। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि वो ये मौसमी त्यौहार है ना, उस हवाले से मैं बात करूँगा, क्योंकि मल्ली साहब और दूसरे मेरे दोस्त जो हैं बेहतर कह सकते हैं धर्म के बारे में, हालांकि मुझे मालूम है, मैंने कुछ कविताएं भी बहुत सी लिखी हैं इसके बारे में। हाँ, ये तो ये है कि जो मल्ली साहब ने कहा उसका तो एक मैं शेर आपको सुनाता हूँ कि इस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों को मतलब सिख बनाए थे, सिंह बनाए थे, खालसा जिसे कहते हैं। तो मैंने वो कविता का एक मुझे याद है, सिखा नू सरदार बना के चला गया गुरु नानक देव। और दूसरे इसका मौसमी जो पस मंजर है वो इस तरह है कि पक्के सिक्के जड़ी है ना कणकां दा रंग होया खाकी, और जेठ जो होता है ना
बैसाख के बाद जेठ आता महीना, आपको पता है ज्येष्ठ जिसको कहते हैं हिंदी में, तो मैंने उसको ये बांधा था, एक पुरानी कविता थी कि पक्के हुए सिक्खियां दा रंग होया खाकी, परे हुए खत्यां दी मुक गई राखी, वो रक्षा जो करते थे ना, जेठ दा सुनेहा लेके आई है बैसाखी। जेठ दो मतलब हो गए ना, क्योंकि जेठ जो होता है ना उसके ब्रदर इन लॉ होता है, हस्बैंड का बड़ा भाई, हाँ हस्बैंड का बड़ा भाई, तो जेठ का संदेश लेकर ये बैसाखी आई है, क्योंकि बैसाख महीने में आती है, तो ये खुशियों भरा है और पंजाब के लिए बड़ा खूबसूरत त्यौहार है कि उल्लास से भरा हुआ, संगीत से भरा हुआ, बिल्कुल, और गीतों से भरा हुआ, इतने गीत लिखे हैं हमारे कवियों ने, और यही गीत और संगीत आज हम लेके आएंगे। लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछूंगी कि जब हम आप बैसाखी याद करते हैं आज की तारीख में, तो क्या याद आता है वीरेंद्र जी, आप किस तरह से मनाया करते थे और उसको कैसे लेके आए यहाँ पर? देखो हम तो गांव से आए हैं, गांव में जब बैसाखी मनाते थे तो बच्चों के लिए, जब फैमिलीज के लिए, वो दिन था खुशी का कि सब इकट्ठे होते हैं, परिवार इकट्ठे होते हैं, दोस्त इकट्ठे होते हैं, वहां पर अच्छा खाना जैसे आज हमें मिलेगा, वैसे वो याद दिलाता है कि वैसे साग मक्की की रोटी, वो मौसम का खाना है उस वक्त का, कि समर जा रही है, विंटर जा रही है, समर आ रही है, जे साग और मक्की विंटर का खाना है जी। तो समर के खाने का वो बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, तो वो है, वो याद दिलाता है हमें गांव में कैसे हम भंगड़ा डालते थे लोग, कैसे खुशी मनाते थे, मेला लगते थे किसी न किसी एरिया में, हर गांव में मेला नहीं होता था, लेकिन किसी न किसी गांव में मशहूर कि उस गांव में बैसाखी का मेला होगा। हमारे सुखचैनाना गुरुद्वारा है नज़दीक, वहाँ पर बैसाखी वाले दिन बहुत बड़ा मेला लगता था, तो सब अक्सर हर कम्युनिटी के लोग, ये जो त्यौहार हम इंडिया में खासतौर में पंजाब में, क्योंकि हम सब मेनली पंजाबी हैं, पंजाब में ये था कि हर कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उसमें जैसे मल्ली जी ने भी बोला कि सिख खालसा पंथ की स्थापना के बाद जात पात, ऊँच नीच, अमीर गरीब, मर्द औरत, वो जो डिफरेंसेस क्रिएट किए होते समाज में, उनके याद दिलाना कि हम सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे होकर हम एंजॉय करेंगे, इकट्ठे होकर हम सेलिब्रेट करेंगे, इकट्ठे होकर हम सारा खाना खाएंगे, उसमें उन सबकी कम्युनिटी कोहिजन जो थी वो उसका एक सिंबल था। तो वो यहाँ पर भी दिखता है वैसे हमको, वो आया साउथ हॉल इज एन एग्जांपल। साउथ हॉल साथी जी ज़्यादा डिटेल में बोल सकते हैं इसमें, कि हम समझते हैं कि भाई साउथ हॉल या वेस्ट लंदन उसकी एक एग्जांपल है, जहाँ बहुत देर से पिछले 50-60 साल से सारी कम्युनिटीज़, मुस्लिम, हिंदू, सिख, किसी न किसी फेथ के लोग, जो भी क्रिश्चियन, सब इकट्ठे होकर रहते हैं। बेसिकली साउथ हॉल इज वेरी मल्टीकल्चरल, किसी समय हम वेरी मल्टीकल्चरल पंजाबी टाउन बन जाते थे, लेकिन आजकल एक मल्टीकल्चरल टाउन बन गया है, दूसरी कम्युनिटीज बहुत तादाद में साउथ हॉल में रहने लगी हैं, लेकिन बेसिकली जो साउथ हॉल की जो शुरू की जो हिस्ट्री थी वो वर बेसिकली इट वॉज रिलेटेड टू पंजाबी, दे वर मोस्टली पंजाबीज, दैट इज व्हाई दिस गुरुद्वारा वेयर दिस पार्क एवेन्यू गुरुद्वारा एंड है ब्लॉक रोड गुरुद्वारा, इससे पहले घर में दीवान लगा करता था ऑन बीकन फील्ड रोड, उससे ज़्यादा फिर डेवलप हुई, और उस दफे भी चाहे हम बहुत कम लोग थे, उस दफे भी हम बैसाखी मनाते थे, तो बैसाखी इज एक्चुअली हमारे खून में है, पंजाबियों के खून में है, हालांकि हिस्ट्री बताती है कि जो आर्य समाज है उसकी भी उस दिन फाउंडेशन रखी गई थी, और जो बुद्ध मत थे अलेजेडली, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बात शायद है या नहीं, लेकिन उनको एनलाइटनमेंट जो हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी बैसाखी के दिन, इसीलिए दुनिया के बहुत हिस्सों में डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिवाली मनाई, आई मीन बैसाखी मनाई जाती है। नो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए ईस्टर भी आजू बाजू पड़ता है, तो ये नया साल, नया फसल, नई, आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कुछ ना कुछ इसमें फेस्टिव। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब हम बैसाखी की याद करते हैं तो क्या आप लोगों के जहन में है जो एक चीज याद आती है जो आप यहाँ लेकर आए और जो नहीं लेकर आ पाए? सो एक जो लिंगरिंग थॉट है चन्नी जी। और मैं तो, मेरा जब यहाँ पर बैसाखी मनाते हैं तो मुझे तो मेरा गांव याद आता है।
क्यों कहाँ पर हम बड़े हुए, कहाँ पर हम पैदा हुए, किन किन दोस्तों के साथ हम मेलों में गए, जैसे शर्मा जी ने बताया कि वही यादें जब यहाँ पर हम देखते हैं तो वही यादें एक बार फिर उम्र उम्र के आती हैं कि देखो ये हम छोटे दोस्तों के साथ और जैसे जात पात के बगैर जो जो गांव में जितने भी कास्ट के लोग थे वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो वही हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यू नो नॉट ओनली इंडियंस बट हिंदू मुस्लिम सिख इवन द यूरोपियंस यू नो फ्रॉम यूरोप कम हियर यू नो एंड दे फाइंड इट वेरी अमेजिंग एंड अमेजिंग मक्के की रोटी एंड सरसों का साग और खुला खुला लंगर होता है यहाँ। फूड की डिफरेंस तो हो सकती है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो किसी न किसी कम्युनिटी में यूरोप में भी ईस्टर के अराउंड किसी न किसी वजह से हम सेलिब्रेटेड ये पीरियड हमारी इंपॉर्टेंस बक पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन इवन इन पाकिस्तान यू नो दे सेलिब्रेट वैसाखी नो दे आर डिफरेंट द कल्चर इज द सेम द कल्चर इज द सेम वेरी नियर फ्रॉम दिस थिंग्स एंड लाहौर में वैसाखी मनाई जाती है जी जी बिल्कुल तो आप लोग बताएं कि यहां पे जो वैसाखी मनाई जाती है उससे आपको लगता है कि कभी एक दिन भी कि भाई हम गांव पहुंच गए Do you think we have been able to retain that, get that here? नगर कीर्तन का जो हमारा सिलसिला है ट्रेडिशन है वो इतना उस दिन उत्साह होता है लोगों में तैयारी की होती है कि कल नगर कीर्तन है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हमने जाना है और उसका सोशल एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा है कि आप मल्टी कल्चरल माहौल में लोगों को ना सिर्फ पंजाबियों को ना सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं बल्कि यूरोपियनों को भी मिलते हैं उस दिन सिर्फ हिंदुस्तानी या पंजाबी नहीं होते साउथ हॉल में आप देखेंगे जो तमाम कौमें लंदन में रहती हैं वो उसमें शामिल होती हैं तो ये हम एक कदम आगे बढ़ गए भारत में तो हम भारतीय जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं वो लोग जुड़ते यहाँ पे तो हमने देश को मिला लिया देशों को मिला लिया खेरा साहब याद आ जाता है ना कि मानस की जात सब एक पहचान में बहुत बहुत धन्यवाद हमको कि ये हम वैसाखी को वैसाखी सही है ना कुछ भी कह लें कुछ भी कह लें जो जहाँ बोलना चाहे जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं जो वैसाखी है वैसे हमारे में है मजाया से इंडोनेशिया से वो उनकी वैसाखी भी क्योंकि वो वहाँ की पैदाइश है पटा साहब वे ये यहाँ के नहीं है ना इंडिया से है अच्छा आप इंडोनेशिया के इंडोनेशिया के पंजाबी है पहली बार वहाँ पर पूछो कैसे वैसाखी मनाते हैं तो पंडा साहब बता दीजिए कि वैसाखी इंडोनेशिया में कैसे मुस्लिम कंट्री है इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया में तो वो एक रिलीजियस तौर पर ही मनाते हैं वो जब मैं वहाँ था मेरे को ये पता नहीं था कि ये एक कल्चरल प्रोग्राम भी है इसमें वहाँ स्कूल में वो स्पोर्ट्स डे मनाते थे गुरुद्वारा में स्पोर्ट्स डे ही होता था और पहले गुरुद्वारा जाते थे पाठ पूजा करके उसके बाद सभी स्पोर्ट्स में शामिल होते थे उसमें उस जो इंडोनेशियन मुस्लिम है वो भी पार्टनर बनते थे उस सेवा और एकता दोनों का भाव वैसाखी का हमने भारत से यहाँ संजो कर रखा है लंदन में और यहाँ मल्टी कल्चरल होने की वजह से यहाँ सिर्फ प्रांत नहीं बल्कि देशों कई देशों के लोग एकजुट होते हैं खाना खाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और ये मौज मस्ती और खाना दोनों चाय सेट पर अभी अगले सेगमेंट में मौजूद है तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी होने वाला है बलिबल वैसाखी स्पेशल इन रौनका पंजाब दिया और अब आप देखें हमारे लिए तो पहुंच चुका है वैसाखी वाला खाना मक्के दी रोटी सरसों का साग पहले तो ये बताएं और साथ में छाछ ये बना दी हमने पोइट्री नहीं छाछ अभी राइम करना पड़ेगा ना बिल्कुल बिल्कुल राइम होता है नहीं होता अच्छा ये बताइए कि ये वैसाखी के साथ क्यों राइम होता है ये खाना भाई सरसों की रोटी मक्के की रोटी सरसों का साग क्योंकि चलो
मौसम के साथ है ना सारा कुछ। हाँ, ठंडी का मौसम होता है। इस दफा जो टाइम होता है पंजाब में, वहाँ सरसों होती है, सरसों का ही साग बनता है, तो मकई जो होती है वो भी होती है, तो दैट इज रिलेटेड टू दैट। और बेसिकली जो अगर डॉक्टरों को पूछो, यहाँ भी पूछो, जो मक्की का जो आटा होता है दैट इज मच मोर न्यूट्रिशनल और पेट को खराब नहीं करता जो कनक के मुकाबले में। अच्छा, गेहूं के आटे के मुकाबले में, गेहूं के आटे के मुकाबले में इट इज मच लाइटर। मैं थोड़ा कैमरे को, कम कैलोरीज होती है उसमें, कैमरे को दिखा दूंगा। ये देखिए, कैमरे देख रहे हैं। हाँ, कम कैलोरीज होती है, कम कैलोरीज होती हैं, और इसके साथ साथ दैट इज व्हाट द डॉक्टर्स से। अच्छा, दैट्स व्हाट। चनी जी, आप भी कुछ कह रहे थे। नो, बस मैं तो ये जो इन्होंने बोला वही कहने वाला था, क्योंकि मैं गाँव में रहा हूँ और हमारे जब ये मौसम होता है बैसाखी का मौसम, उस वक्त तो एवरी डे वी यूज्ड हैव मक्की की रोटी, सरोंदा साग और ऊपर मखनी। हाँ, और प्याज और लहसुन। हाँ, और उसके वो साथ है, उसके हाँ, साथ बिट ऑफ गुड़। बिट ऑफ गुड़। हाँ, हाँ, ये एवरी डे हमारे शाम को गांव में। यू नेवर गेट टायर्ड। यू नेवर गेट टायर्ड। और एक बार में, और स्पेशली जो साग है उसको एक स्पेशल, उसको हरा बोलते हैं पंजाब में, उसमें वो एक तोड़ी। उसको तौड़ी बोलते हैं। उसमें सुबह रख के साग और शाम तक वो पकता रहता था। हमारे यहाँ भी यही किया जाता है। और उसका जो स्वाद था ना वो बस, और घर का बना हुआ मक्खन के साथ में बहुत अच्छा बनता है। मरते हुए जो जिसकी बोलते हैं, घर का ही नहीं, ये हमारे घर बतानी। हाँ, ये हमारे गाँव की यादें। एक और बात भी है मक्की के बारे में, जो मक्की का आटा होता है इसमें थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है, उसे अलड़ कहते हैं। यस yes. वो अलड़ डाल के ना इसका जो टेक्सचर है ना वो अच्छा हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। अब चमन जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ कि इसका एक और मैं रूट बताता हूँ। हाँ, कि एक दफा हमारे दोस्त पंजाब में अपने एक अंग्रेज दोस्त को ले गए, तो यही मतलब यही मौसम था, तो उन्होंने क्या किया, उनको जो ट्रेडिशनली मक्की की रोटी और साग ऐसे देते हैं पंजाब में पुराने ज़माने में, कि मक्की की रोटी है उसके ऊपर साग डाल दिया। हाँ, तो पता क्या है, उसने गिरने का किया। हाँ, साग खा लिया, वो फेंक दिया, वो समझा प्लेट है। ये तो बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ। और आपने तो अपने मेन्यू में भी इनके यहाँ आओ रौनका के यहाँ, तो इनके मेन्यू में जो पंजाबी अक्षर है वो पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा है कि हम सब कोशिश करते हैं किसी ना किसी वे में कि पंजाब को ग्लोरीफाई करें, एंड सर्टनली इन दिस रेस्टोरेंट दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। सो व्हेन यू कम, यू आर वेलकम बाय पीपल इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, एज यू कैन सी वन देयर, एंड वी गिव यू द मेन्यूज। और सबसे खास बात यह है कि यू हैव टू क्वालिफाई टू गिव एन ऑर्डर। क्वालिफाई, यू हैव टू रीड ABC in Punjabi. हमने qualify कर लिया, हमने तो जी यहाँ तो pioneers बैठे हैं। बिना qualify करे खा लिया आज हमने। यानी कि और उड़ा आड़ा ID से बिल्कुल उड़ा आड़ा ID से सगा ये बोलना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोई problem नहीं है। You find your roots. आप कौन से पिंड से belong करते हैं पंजाब में? वाह वाह, क्या बात है। और अगर नहीं तो भी कोई problem नहीं है। Then you come there, we give you a lungi, you show us three steps in lungi dance. Yay! Lungi dance, lungi dance. और अगर वो भी नहीं किसी वजह से आए तो लवीना जी बताने वाली है, हम फिर क्या करेंगे। हम आपको ऐसी अनेक रिडल्स पूरे रेस्टोरेंट में थ्रू आउट लगी हुई है, तो आप एक रिडल बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पांच फोटो में पढ़ के बताएं इसका क्या मुहावरा बनता है। ये मुहावरा कौन सा है? हाँ, चलिए ये पहले कैमरा को दिखाते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग लुंगी डांस नहीं करेंगे, उससे आप नहीं बचेंगे, पर ये बताएं, कोई बता सकता है ये कौन है, ये क्या है? घर। यस, घर। देखो पंजाबी में तो कुकड़ी होगी, नहीं, लेकिन ये हम तो ईस्ट वेस्ट संगम हुआ ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल ठीक। यहाँ पोलिश और अंग्रेज भी वैसाखी मनाते हैं, तो इसी बात पे यहाँ जो जैकेट्स मिलती हैं वो अब सबको जैकेट्स मिलने वाली है। और चन्नी जी, हाँ जी, आप यहाँ पंजाब के गाने को यहाँ लेकर आए हैं, तो हमारे शो पर भी चलो, हम एक तो बंदा है भंगड़ा वाले मुजीब सिंह आए। देखिए, हम यहाँ पे एवरी वीकेंड पे भंगड़ा करते हैं। और आफ्टर फूड
वी गिव भांगड़ा जैकेट्स एंड वी टीच यू भांगड़ा स्टेप बाय स्टेप। बस तो इसी नाम पे आज आपको भांगड़ा शुरू करवाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सबके साथ भांगड़ा करते हैं। चक दे फटे। ये मक्की की रोटी सरसों के साग के बाद चक दे फटे तो बनता है। सर आपको भी करना है। हम सब करना पड़ेगा। दूसरों को निताता हूँ। मानस की जात सबे एक को ही पहचान, ये संदेश वैसाखी का लेकर सभी जगह फैलाने की कोशिश है। वैसाखी एक सेलिब्रेशन तो है, लेकिन उसके साथ ये संदेश गाते बजाते लोगों के जहन तक पहुंचे, बस यही उसकी आशा है, उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपने वैसाखी का ये चाय चैट स्पेशल बहुत लुत्फ उठाया होगा इसका, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। लेकिन इस बीच मेरे साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। मेरे साथ आप ट्विटर पे बातचीत कर सकते हैं @lavinatandon, या फिर मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं chaichat@aajtak.com पर। सत श्री अकाल, चक दे फटे, सत श्री अकाल।